नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। किसी भी जाति संप्रदाय पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी बोले चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर रतन टाटा का आया बयान, बताया कैसी है तबीयत। किरेन रिजिजू की मुस्लिमों को चेतावनी, हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। 7 दुश्मनों से अकेला लड़ रहा इसराइल, पीएम नेतन्याहू की एक कसम ने बदल दी मिडिल ईस्ट की कहानी। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज से पहले राजकुमार राव को लगा बड़ा झटका, करीबी का हुआ निधन। हमारे पास बोलने को शब्द नहीं बचे, हार्दिक पांड्या के नो लुक शॉट पर यूजर्स के रिएक्शन की आई बात। पीएम मोदी ने लिखा गरबा गीत, नवरात्रि के अवसर पर किया शेयर। सिंगर अदनान सामी के सिर से उठा मां का साया, 77 की उम्र में बेगम नौरीन का हुआ निधन। मैनपुरी में गर्लफ्रेंड के बीच पत्नी थी रोड़ा, गुजारा भत्ता मांगने से नाराज पति ने की हत्या, सुलझा हत्याकांड। संभल में पड़ोसी कासिब बना रहा था शादी के लिए दबाव, परेशान होकर पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट फंदे पर लटकी। महिषासुर मर्दनी करेंगी महिषासुरों का नाश, आंदोलन के बीच नई आस जगाती दुर्गा पूजा। भारत पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने लिया यू टर्न, भारतीय पर्यटकों से की खास अपील। अरुणाचल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत के दौरे से चीन को कड़ा संदेश, बढ़ सकती है ड्रैगन की टेंशन। अब ठगी ही नहीं, लोगों की जान तक ले रहा साइबर क्राइम, कड़ा कानून बनाने की जरूरत। मेघालय में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बरपाया कहर, 15 लोगों की हुई मौत। गाजियाबाद के निर्माणाधीन मॉल में हादसा, पानी के टैंक की दीवार गिरने से 3 कामगार घायल। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा की अयोध्या में होगी अग्नि परीक्षा, मिल्कीपुर में सफलता दोहराने की चुनौती। धोनी स्टाइल में मैच जिताकर हार्दिक पांड्या ने कोहली को छोड़ा पीछे, पंत से शुरू की नंबर एक की नई जंग। बीरभूम की कोयला खदान में जबरदस्त धमाका, 7 मजदूरों की मौत, बचाव और राहत कार्य जारी। लोग पीएम मोदी के 75 साल होने का इंतजार कर रहे ताकि उनकी विदाई हो, बीजेपी पर सिसोदिया का हमला। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।